साथियों वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों का तहे दिल स्वागत है अगेन मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। आज की वीडियो रहने वाली है 8 पूर्व सैनिकों की जो फांसी हो माफ हुई है, तो उसके ऊपर आज वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगी होगी तो और लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना है। और जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उनको मेरा जय हिंद और राम राम। चले जा देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कतर में जो है 8 जो है पूर्व नौसेना अधिकारियों को दी जाने वाली फांसी की जो है फांसी पर जो है रोक लगा दी गई है। इन अधिकारियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई गई थी। कतर की अदालत के फैसले पर भारत ने हैरानी जताई थी और इन अधिकारियों को मदद पहुंचाने के लिए जो है कोशिश शुरू कर दी थी। भारत के प्रयास को सफलता मिलती दिख रही है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि दहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को लेकर जो फैसला आया है उस पर हमने जो है गौर किया है, इसमें सजा को कम कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर के जो कोर्ट ऑफ अपील के जो विस्तृत फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला कदम क्या होगा इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों की जो राय मशवरा आपस में वो करेंगे। तो बयान में ये बताया गया है कि कतर के कोर्ट ऑफ अपील के फैसले द्वारा जो दौरान जो है राजदूत और अधिकारियों के साथ साथ जो है नौसेना अधिकारियों का परिवार भी मौजूद था। इस मामले को जो है शुरुआत से ही जो है हम पूर्व नौसेना के अधिकारियों कानूनी सलाह मुहैया करा रहे हैं। बयान में ये भी आगे कहा गया है कि इस मामले को कतर के जो अधिकारियों के सामने जो है उठाते रहेंगे। बता दें कि सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों पर जासूसी करने का आरोप है। इन अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था और एक निजी कंपनी में जो कि एक निजी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सुविधा जो मुहैया कराती है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।